सारे 22 मुलजिम जो थे आरोपी, कोर्ट ने सारे मुलजिमीन को बाइज्जत बरी कर दिया। ऑल एक्यूज आर एक्विटेड, किसी के अगेंस्ट में कोई भी चार्ज प्रूव नहीं हुआ, सिद्ध नहीं हुआ। जहां तक सोहराबुद्दीन की हत्या का मामला है, कोर्ट ने ये माना है कि सोहराबुद्दीन की हत्या गोली लगने से हुई है, मगर सोहराबुद्दीन को जो गोली लगी थी वो कोर्ट के सामने मौजूद किसी आरोपी ने चलाई थी, या जिस हथियार से चलाया गया वो हथियार आरोपी को अलॉट था, ऐसा कोई पुरावा नहीं आया। तुलसीराम प्रजापति जो है वो बस में तीसरा व्यक्ति था जिसको एबडक्ट किया गया था, वो भी कोर्ट के सामने सिद्ध नहीं हुआ। तुलसीराम के इनकाउंटर को कोर्ट ने जीनियन इनकाउंटर माना है। कोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि तुलसीराम जो है उसको कस्टडी से ले जाते समय भाग गया था और दूसरे दिन जो है इनकाउंटर में मारा गया। ये डिफेंस की जो थ्योरी थी कोर्ट ने इसको सही माना है। जहां तक कौसर बी का मामला है, इस संदर्भ में प्रोसिक्यूटर ने कोई पुरावा कोर्ट में पेश नहीं किया। जितने विटनेसेस प्रोसिक्यूटर ने एग्जामिन किए थे उसमें मटेरियल विटनेस जो थे हॉस्टाइल हो गए, जिसके लिए प्रोसिक्यूशन जिम्मेदार नहीं है, कोर्ट ने यह भी माना है। और सारे पुरावे 210 गवाह थे, इन सबको देखते हुए कोर्ट ने सारे 22 आरोपियों को इस मुकदमे से बरी कर दिया।